तो भाई फाइनली इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के लिए टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। और जैसा कि भैया उम्मीदें थी कि बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हम देखना नहीं चाहते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए जिन्हें देख के खुशी मिलती है, हाँ वो डिसीजन थोड़े से कड़े देखने को मिलते हैं कि भैया ऐसा बहुत ही नहीं हम चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते भी थे। अगर ये डिसीजन लिए जाएंगे तो भैया पत्थर दिल पर रख के हमें एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि ये जो डिसीजन लिए गए हैं टीम के हित में है, तो कुछ कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है। लेकिन सेम टाइम पे कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए हैं मन करता है कि तो लप्पड़ उठा के लगाएं। और जब बात आ जाती है ऐसे डिसीजन की जिनको देख के मन करता है कि लप्पड़ लगाएं, उसमें सबसे बड़ा डिसीजन यही है कि विराट कोहली को T20 टीम से काहे ड्रॉप कर दी। भैया क्या गलत कर दिया था आदमी ने? नहीं, T20 वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन मारने वाला बल्लेबाज बन गया था, यही गलती थी? मतलब बेमतलब में कि ऐसे ही भैया 33-34 साल के हो गए हैं तो भैया टीम से निकालो। चलो दो पल के लिए आपने रोहित शर्मा का नाम वहां पे नहीं रखा, समझ में आता है कि कप्तान भी हैं, फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, हो सकता है कि दो पल के लिए आपने कुछ सोचा हो। भले ही देखो अगर T20 में रोहित शर्मा नहीं होंगे तो उनको भी देखने भैया मजा आता था, मजा नहीं आएगा, लेकिन दो पल के रोहित शर्मा का डिसीजन समझ में आता था और KL राहुल का भी डिसीजन समझ में आता था, बाकी सारे डिसीजन समझ में आते थे, लेकिन विराट कोहली को बाहर कर दिया। नहीं, एक लॉजिक दे दो, बस एक लॉजिक मांग रहा हूं किस वजह से बाहर कर दिया। पहले तो भैया देखने में मजा नहीं आएगा मैच, कम से कम भैया विराट कोहली होता तो देखने में तो किक मिलती थी कि भैया विराट कोहली आने वाला है, एक बहुत बड़ा रीजन तो होता था, लेकिन नहीं, बाहर तो करा ही करा, लेकिन यूं ही बाहर कर दिया। भाई सबसे बड़ा प्लेयर आपका T20 का इस समय बना हुआ था, बंदा फॉर्म भी चल रहा था, लेकिन नहीं भैया नहीं खिलाएंगे। अब वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि विराट कोहली ने खुद कहीं ना कहीं T20 सीरीज से ब्रेक मांगा है, लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। कहा यही जा रहा है कि उनको असल में एक ब्रेक टाइप का दिया गया है कि भैया 2023 वनडे वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसके जो थोड़े से सीनियर प्लेयर हैं उनको वो वहां पे नहीं खिलाना चाहते हैं, ऐसा रीजन दिया गया है, जो सुनने में मुझको बहुत ही वाहियात लगता है। बहुत टाइम से ये लोग भाई ब्रेक पे थे ही, इतना तो कुछ हो नहीं रखा था कि भैया कि थक गए होंगे, ऐसा कुछ हो गया होगा, लेकिन नहीं, जैसा मैंने कहा नहीं खिलाना है। लेकिन इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि कुछ डिसीजन ऐसे भी लिए गए हैं जिन्हें देख के थोड़ी सी खुशी भी मिलती है, हो सकता है कि कुछ लोग के दिल में दर्द पहुंचा हो, लेकिन सेम टाइम पे जैसा मैंने कहा कि उन निर्णयों को देख के ऐसा भी लगता है कि ये जो हो रहा है ये टीम के हित में ही हो रहा है। जिसमें सबसे पहला डिसीजन ये देखने को मिला कि वनडे से शिखर धवन का नाम गायब है। जैसा मैंने कहा कि सोच के थोड़ा सा दुख होता है कि भैया शिखर धवन एक बहुत बड़े प्लेयर रहे थे, लेकिन सेम टाइम पे भैया ये अच्छा ही हुआ है टीम के लिए कहें, क्योंकि शिखर धवन जो थे वो बहुत टाइम से आउट ऑफ टच चल रहे थे, और फिर से अगर वो वनडे टीम में होते और उनकी वजह से अगर शुभमन गिल को मौका नहीं मिलता, ईशान किशन जिन्होंने दोहरा शतक मारा है उनको मौका नहीं मिलता, तो दुख तो भाई होता ही। तो कहीं ना कहीं देखो भरे दिल के साथ हम ये कह सकते हैं कि शिखर धवन का जो करियर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी है। और देखो उन्होंने भी कहा था कि उनका जो आखिरी सपना है कहीं ना कहीं वो 2023 ODI वर्ल्ड कप खेलना है, जो पूरा होता हुआ दिख भी नहीं रहा है, तो इसीलिए उसके बाद तो खुद ही खेलना नहीं चाहते, कुछ ऐसा है भी नहीं आगे जिस पर्पस के साथ वो खेले, तो इसीलिए ये कहना कहीं ना कहीं सही होगा कि शिखर धवन का दी एंड हो चुका है। दूसरा मैच्योर डिसीजन जो देखने को मिला वो ये है कि भैया जो ऋषभ पंत है वो ना T20 की टीम में है ना ही वनडे की टीम में है, दोनों ही टीमों से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, जिसके लिए भैया लगातार लोग गुहार लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत को बाहर करो, वो लोगों की जगह खा रहे हैं, उनकी वजह से भैया संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा है, और भी बाकी प्लेयर जो ज्यादा डिजर्विंग है उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं जानता हूं कि कुछ लोग को ये देख के खुशी भी मिली होगी, कुछ लोग को ये देख के दर्द भी मिला होगा, दुख भी पहुंचा होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो फिलहाल के लिए ये टीम के हित में ही हुआ है। वो अलग बात है कि भले ही भैया ऋषभ पंत को टीम से ड्रॉप कर दिया गया हो, लेकिन संजू सैमसन को सिर्फ T20 में मौका दिया गया है, वनडे जहां पे वो और ज्यादा बेहतर कर रहे थे वहां पे उनको फिर भी नहीं खिलाया। आगे बढ़े तो एक और बड़ा डिसीजन यहां पे देखने को मिला है, जो कि ये है कि भैया भुवनेश्वर कुमार का भी करियर कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जहां अब वो सिर्फ T20 खेलते हुए दिख रहे थे लेकिन वहां से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया है, और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया गया है कि अब आपकी भी जरूरत नहीं है, अब हम जाएंगे यंग टैलेंट के साथ, नए टैलेंट के साथ, गर्म खून के साथ। पता नहीं कितने लोग इस बात से एग्री या डिसएग्री करेंगे कि ये सही हुआ है गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि बहुत लोग भैया जब भुवनेश्वर कुमार खेल रहे थे और कभी कभी थोड़े से महंगे साबित हो जाते थे तो बहुत लोग थे जो ये गुहार लगाने लगते थे, भाई इसको ड्रॉप करो, इसका टाइम खत्म हो चुका है, बेकार में खिला रहे, ना स्पीड है, ना डेथ में बॉलिंग आती है, कुछ नहीं बचा है। तो बहुत हद तक लोग खुश भी होंगे, बाकी जो भी डिसीजन मैं बता रहा हूं किससे आप सेटिस्फाइड है, किससे आप एग्री करते हैं, किससे आप डिसएग्री करते हैं, जो भी वीडियो देख रहा है भाई कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा भैया एक और बड़ा डिसीजन यहां पे देखने को मिला है कि जो KL राहुल हैं वो वनडे टीम में
मौजूद तो हैं, लेकिन उनसे वाइस कैप्टन की जो पदवी थी वो छीन ली गई है। वनडे में भी जो वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं वो हैं हार्दिक पांड्या। पता नहीं ये किस बेसिस पे डिसीजन लिया गया है, लेकिन सही लिया गया है, क्योंकि केएल राहुल का वनडे में भी जो बल्ला था वो कुछ खासा अच्छा नहीं चल रहा था। तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी होगी कि कई मैचेस में केएल राहुल को ड्रॉप भी करना पड़ जाए। तो भाई अगर वो वाइस कैप्टन होंगे तो ड्रॉप हो नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। सही नहीं लगता है कि भाई वाइस कैप्टन ही बाहर हुआ जा रहा है टीम से, इसीलिए हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना दिया गया है कि कम से कम ये तो श्योर रहेगा कि भैया जो वाइस कैप्टन है वो लगातार मैचेस तो खेलेगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं इस डिसीजन से भी सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल खेल भी रहे होंगे तो सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करें, और ऊपर से आपको विकेट कीपर भी रहते हैं जब वो खेल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास बहुत काम होंगे फोकस करने के लिए। तो एक और एडिशनल वाइस कैप्टेंसी का जो काम होगा वो उन पे थोड़ा सा बोझ ही रहेगा। और जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि जो भी पूरी सीरीज होती है उसमें रोहित शर्मा एक ना दो मैच छोड़ ही देते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, कोई भैया दिक्कत हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो केएल राहुल को कैप्टेंसी करनी ही पड़ जाती है। तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और हर कोई एमएस धोनी होता नहीं कि भैया सारे काम एकदम अच्छे से कर सके, इसलिए जो भी हुआ है कहीं ना कहीं ठीक ही हुआ है। बाकी कुछ अच्छी चीजों की बात कर ले तो वो ये है कि भैया T20 में अब हमें राहुल त्रिपाठी खेलते हुए देखने को मिलेंगे, संजू सैमसन खेलते हुए देखने को मिलेंगे, शुभमन गिल खेलते हुए देखने को मिलेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो प्लेयर्स को हम कहते थे कि भैया ये आपने कौन बूढ़े बूढ़े खिला रखे हैं उन लोगों को लाओ, वो सारे प्लेयर्स आपको खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो ये है कि उमरान मलिक को भैया दोनों ही फॉर्मेट में जगह दी गई है, दोनों ही फॉर्मेट में उनको शामिल करा गया, क्योंकि भाई मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि उमरान मलिक एक बड़े बॉलर बने, क्योंकि ऐसे बॉलर बहुत मुश्किल से मिलते हैं जिनको किसी सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ता, किसी पिच से फर्क नहीं पड़ता, किसी बाउंस से फर्क नहीं पड़ता। अगर भैया उमरान मलिक एक अच्छे बॉलर बन गए इसी स्पीड के साथ, जो इसी स्पीड के साथ जो उनके पास अभी स्पीड मौजूद है, तो कसम से भैया वो फोड़ फाड़ मचा देंगे। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि जहां विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा को T20 टीम में शामिल नहीं करा गया है, जबकि अब भी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी गई है कि हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट के परमानेंट कप्तान होंगे, तो जल्द ही आपको ये खबर भैया ऑफिशियली सुनने को मिल जाएगी। और इसको सुन के कहीं ना कहीं आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि रोहित शर्मा का भी T20 करियर जो है वो बहुत हद तक आप उसे एंड मान लीजिए, क्योंकि अगर उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, टीम में भी फिलहाल नहीं खिलाया जा रहा है, और अगर 2023 वर्ल्ड कप तक अगर आपको रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में खेलते हुए देखने को नहीं मिल रहे ना, तो आप समझ जाइए कि शायद अब आपको वो इंटरनेशनल टीम के T20 फॉर्मेट में तो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई वनडे खेलेंगे ही और टेस्ट भी खेलेंगे ही, और T20 में क्या होता है ना, टैलेंट बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत ज्यादा कमी महसूस नहीं होती है। दो पल के लिए अगर समझ लीजिए कि उनको वनडे से ड्रॉप भी किया जा रहा होता, कोई और प्लेयर खेल रहा होता, तो बहुत जल्दी ऐसा लगने लगता है यार रोहित शर्मा होता तो लंबा खेलता, अच्छा खेलता, लेकिन T20 में ना बिट्स एंड पीसेस में लोग रन इतने मार ही देते हैं कि आपको कोई बहुत बड़े प्लेयर की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन भैया दुख बहुत पहुंचा कि विराट कोहली का नाम नहीं था। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि इसीलिए पहुंचा कि भाई विराट कोहली को देखने में मजा आता था, बस बात खत्म। लेकिन दूसरी चीज जैसा मैंने कहा कि भाई विराट कोहली की इंपॉर्टेंस जो होती है ना टीम में, वो जब विराट कोहली नहीं होते हैं तब अपने आप ही पता चल जाती है। जो सूर्य कुमार यादव इतने रन मार रहे थे, बाकी प्लेयर इतने रन मार रहे थे ना, वो विराट कोहली जब पिच पे मौजूद रहते थे ना तो एक अलग ही पारी भाई स्मूथ चलती थी एकदम मक्खन की तरह, और हमें लगता नहीं था कि भाई ये विराट कोहली की वजह से चीजें हो रही हैं, लेकिन असल में जो विराट कोहली बैलेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं टीम में, सारी चीजें उसी वजह से घटित हो रही होती थी। और पता है मुझे एक सबसे खराब चीज क्या लगी, कि इन्होंने कोई रीजन नहीं दिया है कि क्यों हम रोहित शर्मा को ड्रॉप कर रहे हैं। भाई देखो, अगर आपने मन बना लिया है कि हार्दिक पांड्या आपके कप्तान होंगे तो बोल दो ना, ये ऐसे क्या भैया चीजें करना कि भाई आपके देश को ही नहीं पता है कि कौन असल में है ऑफिशियल कप्तान, कौन नहीं है, क्या विराट कोहली हमें देखने को मिलेंगे भी नहीं देखने को मिलेंगे। आप क्लियर बताइए ना कि करा क्या गया है। विराट कोहली ने अगर ब्रेक मारा, मतलब ब्रेक मारा नहीं, मतलब ब्रेक अगर मांगा है विराट कोहली ने तो बताओ उसने ब्रेक मांगा है। अगर रोहित शर्मा को आपने जैसा मैंने कहा कि ड्रॉप करने का मन बना लिया, या फिर ये भी मन बनाया सिर्फ कि भैया 2023 वनडे वर्ल्ड कप तक नहीं खेलेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, तो बोल दो ना कि भाई हमें भी क्लियर पिक्चर रहे। ऐसे भैया लगता है कि शायद आपने उनको बिल्कुल खत्म ही कर दिया है करियर, या विराट कोहली को भी अब आप खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, कौन कप्तान है कौन नहीं है कुछ क्लियर ही नहीं कर रखा है। भाई देखो BCCI वालों, सिर्फ यहां पे चीजें क्रिकेटर्स को ही क्लियर नहीं होनी चाहिए, हम है जो क्रिकेट देखते हैं, हम है जिसने क्रिकेट को क्रिकेट जैसा खेल बनाया, उनके फैंस ने बनाया है, तो फैंस का भी हक बनता है कि असल में अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं,
क्या चीजें हो रही हैं, कौन क्या है, किसकी पोजीशन क्या है, किसका ओहदा क्या है, जो भी है हमें जानने का हक है। तो जो भी चीज सोच के आपने टीम बनाई है एटलीस्ट हमें क्लियर कर दीजिए कि आप भैया क्या सोच के ये सब कर रहे हैं। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग को क्या चीज भैया अच्छी लगी इस पूरी टीम में, किसका भैया सिलेक्शन अच्छा लगा है, किसका बाहर होना आपको खराब लगा, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और उसके अलावा भैया 1 तारीख को वापस से लौट रहा है खेलो विद जोशी, इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले T20 के क्विज को लेके, जिसके लिए बहुत सारे प्राइजेस आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है भैया हमारे इंस्टा पेज का, नहीं हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, फटाक से जाइए, फटाक से एकदम तेजी से जाइए, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। 1 तारीख को क्विज लाइव हो जाएगा। तो भैया मैं आपको यह भी बता दूं कि उस क्विज में जो भी फुल मार्क्स लाएगा उसको मिलेगा iPhone 14। बाकी उसके अलावा भैया जो भी टॉप करेगा ना, भले ही आपके फुल आए, भले ही आपके 10 मार्क्स क्यों ना आए, लेकिन अगर आप टॉपर होंगे, अगर आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, तो आपके लिए भैया बहुत सारे प्राइजेस होंगे, कैश प्राइजेस होगा, मील होगा, बहुत सारे रिवॉर्ड्स होंगे। तो बिल्कुल वेट ना करें, अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसके अलावा छोटी सी न्यूज में ये भी बता देता हूं कि भैया जो मेरा क्रिकबाजी विद जोशी का इंस्टा पेज था वो टर्मिनेट हो गया है किसी वजह से, इंस्टा वालों ने पूरे तरीके से परमानेंटली उसको डिलीट कर दिया है, जिससे मेरे 4-5 हज़ार फॉलोवर भी थे, तो बहुत दुख पहुंचा है कसम से भाई। पर ठीक है, लाइफ चलती रहती है, ज्यादा लोड नहीं लेते वरना भैया जिंदगी खराब हो जाती है। पर यही उम्मीद करते हैं कि हमने नया वहां पे इंस्टा पेज बना दिया जिसका नाम है खेल बाजार। ये नाम क्यों है आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं आप लोग के लिए। तो बिल्कुल ही वेट मत करें, आपसे जो भी आप सवाल भेजेंगे क्रिकेट स्टार के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार का। आदत हो गई क्रिकबाजी विद जोशी बोलने की, पर खेल बाजार होगा जहां पे लगातार रील्स आएंगे, जहां पे आप सारे सवाल डीएम कर सकते हैं। उन सवालों को भैया इस वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर किया जाएगा। आज की वीडियो में इसलिए फीचर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा भाई डिलीट हो गया, पता नहीं किस किसने कितने सवाल भेजे थे, सब भैया चला गया क्योंकि बंद हो गया भाई पे, बहुत दुख हो रहा है कसम से, बस दिख नहीं रहा है आपको, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भाई जिंदगी में ज्यादा लोड नहीं लेते हैं भाई, जिंदगी ये चलती रहती है, सब होता रहता है ऊपर नीचे, कल को भगवान जाने क्या क्या हो जाए, लेकिन भैया आप लोग हैं, तब तक पूरा हमको भरोसा है कि कुछ भी खराब नहीं होगा। आप बस इतना सा साथ दीजिए जैसा मैंने कहा, प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है अगर यहां तक पहुंच गया खासकर, और उसके बाद भी अगर आप भैया हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार को जाके फॉलो नहीं करते हो तो भैया थोड़ा सा दुख पहुंचेगा। तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर लें, और उसी के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि मन में कोई भी सवाल है तो डीएम कर दीजिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर किया जाएगा। अभी भैया बहुत लोग वहां जुड़े नहीं है तो आपका सवाल टॉप में दिखाई भी दे जाएगा, पर ये सोच के नहीं भैया, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो भी आप समझते हैं दोस्त समझ के जाके फॉलो जरूर कीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।